बदलिया जमाना हो बदलिया जमाना बदलिया जमाना हाँ हाँ बदलिया जमाना बदलिया जमाना हो बदलिया जमाना बदलिया जमाना हाँ हाँ बदलिया जमाना अगरा दे जंतर ने हिंदी दे मंतर ने अगरा दे जंतर ने हिंदी दे मंतर ने खोलिया खजाना हाँ हाँ खोलिया खजाना बदला जमाना हाँ हाँ बदला जमाना लेंदे फुटपाथा ते जांदे नहीं जाता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बाराता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बाराता ते लेंदे फुटपाथा ते जांदे नहीं जाता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बाराता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते मैं क्या उठ जा हुन आज राम सेवक दी अस्पतालों छुट्टी होनी है ओ तारो तारो जब भी मैं कोई सोना सपना देखना है तो तभी मैं उठा लेनी है साड़ी प्रेस कर रहा सी या फिर देख फिर ओयो तेरी टाटर है कदी तो चुप रिया कर कई दिनों तो कोई काम नहीं सी प्रेस भी ठंडी पई हुई है जा जाके कोठी तो कपड़े इकट्ठे कर लिया ताकि कुछ कमाई शमाई करिए साडे गरीबा लिए इस तो वधिया सपना की हो सकता ठीक कहंदी है तारो तू नमस्ते माँ जी ठीक हो ना तेरी तबीयत तो ठीक है किवें आए आज बस रोज तुसी आंदे सी मेरे ना आज मेरा भी जी कीता कि मैं तुहानू मिल आवां बहुत चंगा कीता बैठो चाह पियोगे नहीं तू इत्थे आई क्यों आ तू डॉक्टर नहीं है नहीं माँ जी मैं तो टीचर हाँ पढ़ाउनी हाँ साक्षरता मुहिम दे तहत पढ़ लिख के छोटी मोटी दवाई तो कोई भी दे सकता है अच्छा चंगा थी चंगा तुसी सब बाहर क्यों खड़े हो अंदर आओ ना मैं भी मैनू सरला दीदी कह सकते हो दीदी तुसी मैनू पढ़ाओगे ताकि मैं भी अपनी माँ नू दवाइयां दे सकां जरूर और आज तो ही पढ़ाना शुरू कर दांगी इन्हां नू कह दे दियो उधर पीछे भी तू ठीक है ना हम इसीलिए यहाँ आते हैं ताकि आपको पढ़ा सकें जो लोग स्कूल नहीं भी गए हैं वो भी पढ़ सकते हैं हमारे यहाँ आ सकते हैं ठीक है ना तुसी सारे पढ़ाई दे बड़े ही शौकीन निकले अपनी मेहनत ते लगन नाल तुसी अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली आज तुसी सारे पढ़ सकते हो हुन मैं एक दूजे पिंड विच ऐसे काम दा बीड़ा चुक लिया है पर तुसी सारे मैनू बहुत याद आओगे सलाम सलाम पुत्र सलाम और सब ठीक है
रिजवान पुत्र इतों 1.5-2 मीलों की दूरी से ना एक मजदूर की होर बस्ती बस गई है तो उत्थे एक बहुत वड्डी बिल्डिंग का काम चल रहा है जरा 2-3 साल चलूगा तो तू उत्थे भी जाके चक्कर ला आई ठीक है ना ते वैसे तो तेनों कोठियां ते कम मिल ही रहे होंगे हाँ चाचा उधर भी चक्कर ला हाँ पुत्र जरूर ला के आई ठीक है फिर मैं चल रहा सरला जी एदे विच ना कोई झूठ है और ना कोई शक तुसी अपने काम नू जिस तरह अंजाम दिता है ओदी जिन्नी भी तारीफ कीती जाए घट है इत्थे मेरा फर्ज है जी पर एदे विच तुसी भी साडा बड़ा हौसला वधाए सच पुछो तो तुहानू वेख के मेरा भी हौसला वधिया अज मैं तुहानू एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाली हाँ दस सकदे हो तुसी दस दिओ मजूरां नू जमीन दे अलॉटमेंट वास्ते तुसी जिहड़ी लिख पढ़ करदे रहे हो उस सिरे चढ़ गई है कल ही मैनू एमएलए साहब ने दसिया सच्ची होर नहीं ते की ए देखो ए ता सी बस्तिया दे मजूरां लई खुशखबरी ते जेड़ी खुशखबरी मैं तुहानू हुण सुनाण वाली हां ओ तुसी सपने विच भी नहीं सोच सकदे ओ केड़ी जी अच्छा तुसी ए दसो तुसी गुरु सरपिंड दे रहण वाले हो ना हां जी पर ओ तुहानू किने दसिया खैर देखो ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਤੋਖੇ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਕੇ ਹੜਪ ਲਈ ਸੀ ਆਹੋ ਉਹੀ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਹ ਕਢਵਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਖਰਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਏ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਸਰਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਸ ਸਰਲਾ ਦੀਦੀ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕਦੀ ਲੱਥੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਓਏ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਕਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਸਤੀ ਚ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਬਸ ਤੇਰੇ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਰਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨੇਕੀ ਚ ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬਸ ਲਿਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਠੀਕ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਈ ਸਰਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਾਰੂ ਤੇ ਛੁੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਓਏ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਰੇ ਅਮਲੀ ਦੇ ਅਮਲੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਦਾਰੂ ਛੁੱਟੂ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਵਾਹ ਓਏ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਮਸਤੇ ਨਮਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਮ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਮਕਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਾਂ ਚਾਚਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੇ ਓਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਫਾਲਤੂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਵੇਖ ਇਹਦੀ ਤੇ ਡੇਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੇਖਣਾ
तू इना पढ़ लिख गया? हाँ जी। सा बेवकूफ है ना, वो तो चंगा ही है ना तू? कि सालसमैन वो पुट्टी सीधी दवाइया दे जाने, तारीख देखता नहीं है। मैं वह मक्कू बनना अच ले ते साथ सब दस दया, फिर इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। चल चल जा हूं। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से घमला, घ से छा से छतरी, ज से झ से टा से टमाटर। बहुत चंगा, हुण मैं तुहानूं तुहाडी सेहत ठीक रखण लई कुछ जरूरी गल्लां दसणियां। सानूं अपने आसे पासे किसी भी थां ते गंदा पानी इकट्ठा नहीं होण देना चाहिए है। गंदे पानी दे निकलन वास्ते चौड़ियां नालियां बनाउणियां चाहीदियां। जे तुसी चाहो ते अपनी बस्ती नूं वेख के उहदे रख रखाव दे तरीके सीख सकदे हो। ठीक है, इस बिन मां प्यो दी कुड़ी नूं तो वेखो, कमल नूं हत्थां ते नचा रही है। ओए हुण तू पढ़ी लिखी है, तमीज नाल गल करिया कर। रामकली दे मां प्यो नहीं उहदे की होया? असीं सारे उहनूं बच्चे दी तरह पालिया, हुण बोल असली गल की है। ਉਹ ਕਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਮਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤਦ ਨਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾ, ਚੌਲ ਬਣਾਈ ਦੋ ਖਾ। की गल है, अज बड़ी परेशान है, मूंह दा रंग भी उड्डिया होया। कुड़ियों दे बारे च सोच के बड़ी परेशान है, बड़ा फैशन करन लग गई है। नहीं, आज नया रिबन चाहिदा ते कल नया क्लिप। ते अदे च फिकर दी की गल है? उन्हां नूं प्यार नाल समझा दे कि कुड़ियों, इंसान दी सब तों वड्डी सजावट है पढ़ाई। ते जे तुसी नहीं पढ़ना ते पिंडां दे मुनियां नाल शादी लई तैयार हो जाओ, जिथे गज गज कुंड करना पएगा। दुनिया दी किसे भी समस्या दा हल हैगा है, समझी? बस थोड़ा जिहा दिमाग लाउणा पैंदा है। हुण मैं खुश कीता ई कप चाह पिला। चंगा। कुड़ी राम गली लगदी चंगी बली। वाह पुत्तर, एक दिन पान गया ते कविता शुरू। चंगा, एनु ही कहंदे ने कविता। कुड़ी बड़ी सुगर ते सियाणी है, जिवें कोई मास्टर दी पढ़ा रही होवे, जरा भी नहीं हसदी। ओ ते साडी गुरु है। तां फिर ते ओनु पैरी पोना भी करना पऊगा। सही कहंदा है। कुड़ी नु टीके ते टाइम ते लवारी है ना? जी। ते नाल पोलियो दी खुराक भी? जी, ओ तुसी फिकर ना करो, ओ तां मेरी ड्यूटी है। जेड़ी सैला पैन जी जाने चंगी तरह समझा गए सन। अच्छा अच्छा, ते मुन्नी दी पढ़ाई किंदा चल रही है? होमवर्क कप कर लंदा ना? होमवर्क तो कर लंदा है, पर इत्थे सारे बच्चे हिसाब विच कमजोर ने। जे कोई चंगा जा मास्टर लग जाए तो इन्हां दी ट्यूशन लवा दित्ती जाए। कमरा तो है ही, नाले इकट्ठे पढ़नगे तो फीस भी वंडी जाएगी। ए बड़ा चंगा आइडिया है, मैं शाम ही सारे गल करना वा। ठीक है। नहीं तो अपनी घर वाली भी तेरे मंग रोंदी पिटदी रहनी सी। चुप कर वे कसम खाणिया, जब तक मखौल करता रहिंदा है चा जाके लभ के लिया मेरे न्याणे नूं। ਪੰਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੀ। ਐ ਪਈ ਆ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ। ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਬੜੀ ਲੜਾਕੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਧੁਲਾਈ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਮਾਇਆ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਲਾ ਦੇਈ, ਛੱਡ ते ट्रंक च कर दई बंद, उतों ला दई जंदरा, फिर बोली जय गंगा मैया की।
मैं क्या पर ऐ काम करी शाम नू दो कोटा ला के चंग देरा टोन हो के गल सुन हां तू मैनू फिर पीन दा जोश दवा रहे है मैं पीने छड़ दित्ती आजकल और मैं क्या एडा बड़ा झूठ मालो अपने पुत्र तोते नू चंगी तरह पिंजरे च बंद करके रखिया करो पहला ध्यान नहीं देंदे ते बाद च रोंदे हो वाह ना की रखे तोता आराम ओ उड़ेगा नहीं ते जम के बैठू तुसी पहला ए दसो ए लभया कित्थों तुहानू पुछदे हो लभया कित्थों है ओ लफंगियां नाल जुआ खेड रिया सी दो रखिया कन ते ते फल के लिया साइकिल ते संभालो अन्नू इधर इधर जूता पट्टा कित्थे जुआ खेलदा सी है सारे तालाब विच इक अयो मछली गंदी है देखो जी मेरे पुत्र नु ना तुसी गंदी मछली ना आखो क्यों ना आखो इस वेले ते तन्नू एक गल बड़ी बुरी लग रही है जिस वेले सारा मोहल्ला थू-थू करेगा किस किस दी जुबान फड़ेगा अगरा ओए हो तो गया हां जी चाचा जी तू सीधा होना नहीं होना हां पढ़ेगा काम करेगा काम करूंगा नसेगा तो नहीं जे बाबू शराब ना पीवे मां दे नाम ना लड़े मैं कदी नसांगा शंभू दी दुकान ते छड़ के आना उथे जाके पंचर लान दा कम ते साइकिल दी मरम्मत दा कम सिख ले तेथी ला ली ठिया अजकल सड़क चंगी चल रही है समझिया इनू ना तोके तैयार कर दो क्यों वे तोतिया किथे गया सी है कुछ होश है तन्नू जद देखो आवारा गर्दी करदा रहंदा है ए देख कपड़ां दे की हाल कीता ई चल चल के नवावा तन्नू कुछ खवा कुछ खवा दे बेचारे नु तू भी बिच मरया कर ओए ये कोठियां च कोई परेशानी ते नहीं नहीं हां जे खुद ठीक रही जे ते सब चंगा भला रहंदा असी भी सोचदे हां असी काम करना है ते उन्होंने पैसे देने हैं ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਸਰਲਾ ਦੀਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ अम्मा 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 सब ठीक हो जाएगा अम्मा 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 कुछ तो बोल अम्मा अम्मा माँ जी की मौत की खबर सुन के बड़ा दुख लगा बड़े का सिर से साया ही बहुत होंगे तो रस्ता वखान नाल ते साडे दुख आपस में जुड़ के सुख की चादर हो गए ने देखो साडा जमाना ही बदल गया है हुण असी सारे बहुत खुश हाँ दीदी जी कभी साडे पिंड भी चलना जरूर अपने पिंड का पता दस दो जदों भी मौका लगा असं जरूर आवेंगे उसे सब बहुत खुश होंगे दीदी जी मैं तुहाडे लई ये चादर सीती है तू तो मेरा बड़ा ही ख्याल रखना रिजवान पुत्र रामकली कितने है रामकली कोल तो नहीं ओते पिंड पिंड जाके बच्चियां नू ते बड़ियां नू पढ़ाउंदी है अच्छा है ते बहुत चंगी गल है उन्हें ते कमाल ही कर दिता ऐसा मतलब है वो वाकई सरस्वती माँ की सेवा कर रही है उन्हें मेरे दफ्तर भेजना सानू पता सी इस गल तो अलावा तुसी होर किसी गल ते खुश नहीं होवोगे ऐसे गरीब लोग होर कर भी की सकते
एक वो भी दिन थी जो मैं इतनी पहली बारी आई थी और एक आज का दिन है, पर आज से मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ कि तुम्हारे सारे दे राशन कार्ड बन रहे ने। और उसको भी एक बड़ी खुशखबरी होर भी है, वो है कि तुसी एक एक दो दो कमरे अपने लिए पा सकते हो। ओदे लिए हुन पैसे जोड़ने शुरू कर दियो क्योंकि तुहानू सारे नु जमीन अलॉट हो गई है। हाँ जी खबर सुनो, अनधिकृत बस्तियों के लोगों को नई सरकार से बड़ी आशाएं। ऐवी सुनो, बहुत चंगी खबर है, साक्षरता अभियान चलाने हेतु सरला बहन को राष्ट्र के सर्वोत्तम सम्मान से पुरस्कृत किया गया। देखो ये फोटो भी छपी है, देखो देख श्यामा फोटो। तुसी वेख्या सरला दीदी ने दूजी बस्ती विच अपनी थां बनानी शुरू कर दिती, बुजुर्गां नूं दवाइयां दित्तियां ते सब नूं दस्या कि पढ़ाई किन्नी जरूरी है, बच्चियां विच भी दिलचस्पी पैदा हुई ते उत्थे भी साक्षरता मुहिम शुरू हो गई। सरला दीदी दे व्यक्तित्व ने मालकिन नूं शुरू तो ही प्रभावित कीता सी, इसे लई मालकन ने पर्दे दे पिछे रह के उस दी हर तरह दी मदद कीती सी। अज मालकन ने सरला दीदी नूं जदों उस दी गुरुसर पिंड वाली जमीन दे कागजात दित्ते तां सरला दीदी दंग रह गई, उस दी खुशी दा ठिकाना नहीं रहा। सच सरला दीदी भी ते निरखरता दी मारी होई सी, ताइयो ते उह चाहुंदी सी कि कोई निरखर ना रवे, अनपढ़ बंदे नूं ते कोई भी धोखा दे सकदा है। बस्ती दे मजदूरां ने रामकली नूं स्थाई तौर ते लोकां नूं पढ़ाउण दे काम विच ला के सरला दीदी दे कदमां ते चलण दा फैसला कीता। प्रीतम ने शंभू कालू रामू ते बल्लू नूं धमकी दित्ती कि जे तुसी लोकी नहीं पढ़ोगे ते मैं तुहाडे नाल कोई रिश्ता नहीं रखांगा, तां उहनां ते असर पिया ते उहनां ने भी पढ़ना शुरू कर दिता। प्रीतम ने दवाई दा रेट ते डेट पढ़ के केमिस्ट नूं हैरान कर दिता। अज रामकली ठीक उस तरह लोकां नूं पढ़ा रही है जिस तरह कदी सरला दीदी ने उस नूं पढ़ाया सी। गंगू मेहरू कोलों पुछदा है कि वह बेटी शिक्षा नूं सारे टीके टाइम ते लगवा रही है ना, ते वह दसदी है कि सरला दीदी सारा कुछ समझा के गई सी। उधर तो भी रामचरण दे मुंडे तोते नूं प्रीतम ते सुंदर फड़ के ले आंदे ने। विगड़िया होया तोता यह कहिंदा है कि प्यो पीणा ते मां नाल लड़ना छड्ड दे तां वह भी सिद्धा हो जाएगा। गंगू दी मां दी मौत हो जांदी है, जदों सरला नूं यह पता चलता है तो वह गंगू कोल अफसोस करन आंदी है ते बाकी सब नाल भी गलबात करदी है। रामकली दे बारे सुन के खुश हुंदी है ते सारिआं नूं राशन कार्ड बनन ते जमीन अलॉट होण दी खुशखबरी भी दिंदी है। अखीर विच तुसी वेख्या कि सरला दीदी नूं साक्षरता मुहिम लई सब तो उच्चा इनाम ते सन्मान दिता जांदा है। सच जिहड़े लोकी साक्षरता दे प्रति इन्ने समर्पित होण ओही इन्ने उच्चे सन्मान दे हकदार हुंदे ने। अज असी मिलदे हां हरियाणा दी शीला पंचाल नूं। मेरा नाम शीला पंचाल है, मैं पहले अनपढ़ थी, फिर मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था, घर में बहुत सारे कारण थे जो मैं पढ़ नहीं पाई। चार बहनें हैं मेरी, तीन भाई हैं, और फिर अभी 5 साल पहले मैंने साक्षरता के बारे में सुना, हमारे पड़ोस में एक सेंटर खुला उसमें मैं पढ़ने जाती थी, फिर वो कुछ दिन सेंटर चला
उस दिन क्या साल भर में चला तो उस सेंटर में जितनी औरतें पढ़ती थी कुछ उनको पढ़ना आया कुछ नहीं पढ़ना आया, तो सबने मिल के कहा भाई हम तो पढ़ना चाहते हैं अब क्या करें, तो हमने मिल के सबने एक सेंटर अपने घर में खोला, तो सब औरतें वहाँ पे पढ़ने आने लगी। समय समय पे हमारे यहाँ पे गांधी मार्केट में कपिल सर रहते हैं, ये यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, वो आते थे हमारे को कोई परेशानी मतलब कोई ज़रूरत पड़ती हम ये करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं वो आके बता देते थे हाँ शीला ये कर लो हम तेरे साथ हैं, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते रहे और सबको पढ़ाते रहे और सिलाई भी सिखाई कढ़ाई सिखाई जो भी जो सीखना चाहता है मैं सिखाती हूँ। मैंने खुद भी सीखा सिलाई, सिलाई पढ़ने के बाद मैंने डिप्लोमा किया सिलाई का, पेंटिंग का किया, बहुत सारे डिप्लोमे मैंने कर लिए। अब मैं कोई भी काम हो सब करती हूँ। अब मैंने दुकान खोल ली है। Oh, no.